हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से किस प्रकार से लिंक करना है। इस वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, यानी कि आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस करते हुए नहीं दिखेगा। मैं आपको पहले बता दिया करता हूँ कि आपका जो किसी भी वेबसाइट का वीडियो बनता है तो उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो किसी भी पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो किसी भी पैन कार्ड लिंक हो गया है गलती से या फिर किसी प्रकार से, तो उसको चेक करना होगा। तो इसके लिए आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जो आपको लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं या फिर आधार नंबर डाल सकते हैं या फिर यूजर आईडी होगा आपके पास तो वो डाल सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ अपना आधार कार्ड डालें। आधार कार्ड डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ इरर शो होगा कि दिस आधार नंबर इज नॉट लिंकेड टू एनी रजिस्टर्ड पेन। तो यहाँ आपको पता चल गया कि जो आप आधार नंबर डाले हैं वो किसी भी पेन कार्ड से लिंक नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, पहला कि इस आधार नंबर को किसी भी पेन कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार से कोई भी पेन कार्ड अप्लाई नहीं किए हैं इस आधार कार्ड से तो आप इंस्टेंट ई पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो कल ही अपलोड कर दिया गया है। यहाँ आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है, इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको पेन नंबर डालना है, उसके बाद आधार नाम डालेंगे, अपना आधार में जो नाम होगा सही सही वही डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है जिसे आप चेक मार्क लगाएंगे, तभी पढ़ लीजिए पहले। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड के ऊपर केवल ईयर ऑफ बर्थ छपा हुआ, जैसे 2002 1999, और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ छपा हुआ है तो यहाँ चेक मार्क नहीं लगाएंगे। जैसे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या होता है, 2/4/2002 इस प्रकार से होता है, तो वो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होता है। तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, यानी किसको परमिशन दे रहे हैं अपने आधार कार्ड को चेक करने के लिए। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इस पेज के ऊपर फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको लिंक करने का दो माध्यम और मिलता है और चेक करने का है। एक तो यहाँ से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, दूसरा नीचे जाएंगे यहाँ दो ऑप्शन मिलता है आधार के लिए, तो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेंगे और उसके बाद यदि नहीं है तो लिंक आधार करेंगे, ये भी दोनों ऑप्शन है, या फिर लॉगिन के माध्यम से वहां से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड अभी लिंक किए हैं वो लिंक हुआ या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि लिंक आधार नाउ अबाउट योर आधार पेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है जहाँ आपको अपना पेन नंबर डालना है और आधार नंबर डालना है। दोनों चीजें डालने के बाद यहाँ व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज हो गया, योर पेन नंबर जो यहाँ XX दिखा रहा है, मतलब कि ये तो हाइड कर दिया गया है, इज लिंकेड टू आधार नंबर। आप देख सकते हैं लास्ट में 333 है, मैंने वही आधार नंबर वहां भी डाला था, आप मैच करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस लिंक हो चुका है। तो जस्ट आपको 2 से 3 मिनट में अपना वेट करना है और फिर आप देख सकते हैं कि आपका लिंकिंग का स्टेटस सक्सेस हो जाएगा। तो ये 2021 का प्रोसेस है। पहले जिस प्रकार से आपको लिंक करना होता था उस पुराने वाले वेबसाइट के ऊपर, तो उस वेबसाइट में केवल पर्सनल कामें होती है जो ऑफिशियल होगा, बाकी जितने भी एक्सटर्नल इंडिविजुअल के लिए जो भी सर्विसेज दिया गया है तो आप इस नए वेबसाइट के ऊपर आकर कर सकते हैं, जो है eportal.incometax.gov.in। आदि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए अपडेट के साथ। नमस्कार।